अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे सब लोग? अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। और आज का व्लॉग भी कुछ यही है कि आप देख लें, बारिश हो रही है और साथ में देखिए धूप निकली हुई है और बारिश भी जो है कि 5 मिनट से लगी है और बड़ी तेज़ बारिश है। और अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम व करम करें। और पता जैसे कि आजकल सैलाब राजस्थान में, पंजाब के उधर इलाकों में इतना सैलाब आया हुआ है कि डैम वगैरह फिल हैं, तो इस चीज़ से थोड़ी सी बंद जो है कि परेशानियां हो जाती है बंदे को, कि जैसे उनके भी हालात हैं, उनका सब कुछ बह गया है, घर गिर गए हैं। तो अभी इस वजह से जो है कि हम सब को अल्लाह ताला से दुआई करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत की बारिश ही बरसाते रहें, कि रहमत से वो रहमत बंदों के लिए बन गई हुई है। अब इधर हमारे भी पंजाब में काफ़ी घरों में पानी गया, इधर भी नुकसान हुआ, लेकिन जहाँ पे आपको पता है कि सैलाब आया हुआ है, जैसे कि आप न्यूज़ में, सोशल मीडिया में देख ही रहे हैं आजकल कितना ज़्यादा उसका है, उसको देख देख के कितना दुख होता है इंसान को। और साथ में ये जो सवाल कलाम वाली साइड पे आया है, वो तो बड़े एक लॉन्ग टाइम के बाद उनका हुआ है कि जब हम भी गए थे इन इलाकों में, इन अदर एरियाज में, तो हम भी सोचते थे कि इतने ये होटल्स बने हैं बिल्कुल पहाड़ों के आसपास और दरियाओं नदियों नालों पे, तो अल्लाह हैर करे। तो बस वक्त वक्त की बात होती है, वक्त एक जैसा नहीं रहता, तो इस तरह से ये चीज़ रख के बंदे को बी केयरफुली हो के रहना चाहिए, वो काम अपनी हद और लिमिट से हट के वाकया में नहीं करना चाहिए। और बारिश जो है वो बड़ी तेज़ तरीन बारिश हो रही है। और हम वो कहते हैं ना जी, वो आपने देखी होगी बात कि आए बारिश आई, वाह इंजॉय, तो बेचारों पे क्या गुजर रही होगी जो जिनके घरों में पानी चला जाता है, उनके लिए कितनी टेंशन बन जाती है, और जिनके लिए बाहर जाना भी इतना मुश्किल हो जाता है, हर चीज़ बंद हो जाती है कि आपके लिए, कि आपके घरों पे जो पानी छत्तों से निकलता है उनके लिए कितना मसला होता है। तो इस तरह अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम करम करें और हमें सबको ऐसे अकात से महफूज रखें। और साथ ही बात है कि धूप भी है, आप देखें 2 in 1 हुआ हुआ है आज, साथ में धूप है और साथ में बारिश हो रही है। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों से बात चात हो जाती है, कितने दिन से मैं मॉर्निंग रूटीन में मैं कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं कर रही, तो अक्सर मुझे मैसेज आते हैं ऊंचा ऊंची बात करें, तो मैं तो ऊंचा भी लाउडली भी बहुत बोलती हूँ, उसके बावजूद भी जो है कि अब धूप कम हुई है, अब धूप की लाइट कम हो गई है। और बाकी यही है कि हमें जो जमातें वगैरह वो मिलके मदद कर रही हैं, वो एहतियात जो हैं जमा कर रही हैं। आप जो ये देख लें आपके अपने चौक में इशारों पे जो मांगने वाले खड़े हैं, प्लीज़ हर चीज़ उनको कुछ भी ना दें। और कल हम यहाँ से इधर अपनी सिटी में गुजर रहे थे, तो जो जहाँ पे ये सिग्नल्स हैं वहाँ पे बड़ी अच्छी एफर्ट करके किसी जमात ने आई थिंक शो के वहाँ पे लोगों ने बैनर लगा के, तो उन्होंने एहतियात मांगने शुरू किए हैं, मतलब कि जो मांगने वाले जिनको आप सदका देते थे, जिनको आप मांगने वालों की जेबें भरते थे, अब वो उनके लिए पैसे भी जमा हो रहे हैं। यही बहुत अच्छा एक बात है, यही चीज़ है कि अगर हम ऐसे गरीब आवाम और ऐसे मुसीबत ज़्यादा लोगों के लिए अगर पहले से एफर्ट और एहतियात जमा होते तो आज ये नौबत ना आती। और बहुत अच्छा अच्छी चीज़ है, जमातें कर रही हैं मिलके, और रेस्क्यू वाले भी हैं, और जो है कि हुकूमत तो उस तरह से नहीं किसी की भी हेल्प कर रही जिस तरह के इनके इलाके इनके लिए मसला बना है, घरों में पानी 8-6 फीट इनके मौजूद है जो उधर बलोचिस्तान के इलाके हैं। आप न्यूज़ पर आपने सुनी होगी कि अभी भी उनके घरों में बहुत ज़्यादा उनके माल वेशी मार के हैं, उनके लिए मसले मसाइल हैं कितने ज़्यादा। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। तो इस तरह आप सब भी उन सब के लिए दुआ करें, और हम सब भी करते हैं कि सबके लिए आसानियाँ हो।
कि बारिश जो है कि बारिश जब अब होती है तो वो कि सबको डर लग जाता है कि पानी जो है ना वो क्या होगा, पानी क्या बन जाएगा हमारे लिए। तो अभी तो रोड्स में से पानी तो अभी भी नहीं गया ना, निकल निकल के वो नीचे से आ रहा है ऊपर पानी। तो अभी इस तरह से फिर अब मैं आप लोगों से थोड़ी इजाज़त चाहती हूँ कि आप भी जो है कि मेरे न्यू देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो अच्छी लगी तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और हम सब इनके लिए भी दुआएं करें और कि अल्लाह ताला हम सब के जो है कि अपना रहम करम करें। और इसके साथ जाते चाहते हैं, रब रखा, हंसते रहो, बसते रहो, फिर चस्ते रहो, अल्लाह हाफिज़, बाय।